Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. वेलकम बैक टू चैनल गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है, आप टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि हम लोग किस चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो आज मैंने एक न्यू हेलमेट लिया हो तो उसके अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। पुराना वाला मेरा ये जो हेलमेट था ये बहुत पुराना हो गया, मतलब इसको 5 साल हो गए। ये स्टर्ट का शिफ्टर है और अभी भी काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। पैडिंग वगैरह भी बहुत ख़राब नहीं हुई है, बट कैसा है ना कि बहुत साल हो गए इसको, इसलिए मैंने एक नए हेलमेट का प्लान किया। बहुत दिन रिसर्च किया, मतलब बहुत लोगों से पूछा, पता किया, कुछ इम्पोर्टेड हेलमेट्स के बारे में भी पता कर रहा था, बट वो मतलब जमा नहीं, मेरा बजट के बाहर था। और जो बजट में बैठ रहा था वो ये हेलमेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सोर की ब्रांडिंग दी हुई है, और उसी के राइट साइड में अगर देखते हो बॉक्स के तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन, और प्राइसिंग भी यही पे है। और दूसरे साइड में सिर्फ एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दिखे, और फोर्थ साइड में भी ब्रांडिंग है। और यहाँ पे ये जो बॉक्स होता है, मतलब जो कंपनी से पैक आता है, तो उसको ऐसे पकड़ने के लिए एक ये भी दिया जाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे अभी बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले ये वाइज़र, क्योंकि मैंने क्या किया ना, मैंने एक वाइज़र एक्स्ट्रा बुलाया था जो कि टिल्टेड वाइज़र था, और ये प्राइमरी वाइज़र आता है, तो ये एक वाइज़र है। और दूसरा अपने को मिलेगी ये अपना हेलमेट है जिसपे एक्सोर की ब्रांडिंग दी हुई है इस तरीके से। फिर इसको अपन रखते हैं साइड में और देखते बॉक्सेस में क्या है। तो यहाँ पे उसके बाद में अपने को मिल जाता है एक्सोर के ये कुछ स्टिकर्स, जो कि सबसे पहले ये एक स्टिकर आएगा, और उसके बाद में ये ब्लड ग्रुप वाला स्टिकर भी है, ये भी अपन लगा सकते हैं। जैसा मेरा बी ग्रुप है, बी प्लस, तो मैं ये यूज़ करूँगा। और एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है इसके साथ अपने को, ये दो रिफ्लेक्टर्स है वो भी इसके साथ मिलते हैं। और अंदर बॉक्स में देखेंगे तो एक सिलिका जेल वाला मिल जाता है, तो ये भी इसी के अंदर डाल देते हैं अपन। बॉक्स को रखते हैं साइड। अपना जो हेलमेट आता है वो ये बैग में आता है प्रॉपर, तो जिससे इसको स्क्रैचेस ना लगे और कुछ नहीं। अंदर से आप बैग का मटेरियल देखोगे तो बहुत सॉफ्ट है, सिंपल है, अच्छा है, और क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती है बैग। ताकि थोड़ा सा तो ये रहा हमारा हेलमेट, ये कार्बन फाइबर हेलमेट है पूरा प्रॉपर। और इस पर आप देख सकते हो इसमें कुछ डिज़ाइनिंग भी पार्ट बना हुआ है, और यहाँ पे जो सिंबल है एक्सोर का सिंबल आ जाता है यहाँ पे, जो कि एम्बॉस्ड है मैट फिनिश में, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। और कार्बन फाइबर होने की वजह से लाइट वेटेड है। अगर अपन हेलमेट के पीछे साइड में देखा जाए तो यहाँ पे एक्सोर की ब्रांडिंग आती है। उसके बाद में जो मॉडल है एपेक्स हेलमेट, ये वाला है, इसमें डॉट सर्टिफाइड है, ईसीई सर्टिफाइड है। डॉट सर्टिफाइड यूएस के लिए होता है, और ये यूरोप के लिए होता है ईसीई सर्टिफाइड। और यहाँ पे जो इंडिया के लिए है वो आईएसआई मार्क होता है, मतलब अगर आईएसआई मार्क वाला हेलमेट है तो ये लीगल हेलमेट हो जाता है, नहीं तो विदाउट आईएसआई मार्क वाले हेलमेट इलीगल होते हैं। तो अगर बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो हेलमेट में सबसे पहले अपने को एक स्पॉइलर दिखाया मिलता है, जो कि एयर को ट्रांसफ़र करने के लिए ऊपर से नीचे काम करेगा। यहाँ पे दो एयर वेंट दिए हुए हैं, और नीचे में चिन के पास भी एक एयर वेंट है जो कि इस तरीके से वर्क करता है। हेलमेट के अंदर साइड में देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन फाइबर की ब्रांडिंग आती है। और सेकंड आपको मिलता है यहाँ पे डी लॉक सिस्टम। डी लॉक बोला जाए तो ये जो दो क्लैम होते हैं इसके थ्रू, और ये सबसे पावरफुल माना जाता है, लाइक कभी भी एक क्रैश होता है या कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसमें ये जो बैंड है ये टूटेगा नहीं। नॉर्मल जो होते थे, मतलब ये मेरे जो पुराने हेलमेट में था ये वाला फीचर था, कभी कभार ये भी टूट जाता है या फिर ये नॉर्मल इससे भी बाहर निकल जाता है, बट ये डी लॉक सिस्टम होती है ये ऐसा निकलता नहीं। मतलब आप ये देखोगे कितना भी प्रेशर से खींचोगे तो ये निकलेगा नहीं। ये जो पैडिंग है ये पूरी रिमूवेबल पैडिंग है और वॉशेबल है, आप ये सारी पैडिंग खोल के इसको वॉश करके वापस रीइंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही में ब्लूटूथ कंपेटेबल है, इंटरकॉम लगाया मैंने, तो इसी के साथ में यहाँ पे अपन ब्लूटूथ वाले जो स्पीकर्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा गड्ढे करने या फोम को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे अपने को एक चीन कर्टन मिल जाता है जो भी आप देख सकते हो बहुत प्रीमियम है, ये भी निकलता है, और इसके साथ ये वेलक्रो वाला है तो ये भी अपन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसके मतलब जो माइक की सेटिंग किया हो, यहाँ पे एक माइक मेरा इंटरकॉम का है और दूसरा जो है वो मोटो ब्लॉगिंग का है, तो ये दोनों भी प्रॉपर सेट हो जाते हैं। और यहाँ पर जगह भी बहुत अच्छी है तो इससे ये कम्फर्टेबल रहेगा पूरा, और कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके साथ ये जो हेलमेट है वो स्नग फ्री है, मतलब आप अगर जब इसको पहनोगे तो ये शेक नहीं करेगा और आपके हेड के साथ एक अच्छे से बॉन्ड बना के रखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मतलब टिल्टेड वाइज़र लगा हुआ है, ये मैंने लगवाया था। इसमें ओरिजिनली जो वाइज़र आता है वो ये होता है, तो इसका पहले सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं जो फ्लेम है।
है ना। इसके अंदर आप देख सकते हो ये येलो वाला पोर्शन, ये जो है वो एंटी फॉग डीफॉगर दिया हुआ है। तो इसकी भी फ्लेम निकाल लेते हैं अपन अभी। तो ये मतलब जो आप राइट रेनी सीजन या विंटर सीजन में राइड करते हो तो यहाँ पे जो फॉग जमा होता है, मोस्टली ये हेलमेट का प्रॉब्लम होता है कि फॉग जमा होता है, तो फॉग यहाँ पे जमेगा नहीं और वो क्लियर रहते जाएगा। तो इसके लिए पूरा क्लियर वाइजर दिया होगा और ये टिल्टेड वाइजर है। टिल्टेड वाइजर मतलब लुक वाइज देखोगे आप तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इस पे जो ये पर्पल कलर के शेड्स आ रहे हैं उसके वजह से मैंने पर्पल वाइजर लिया था। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे ये अपने वाइजर ओपन किया तो ये अपने को एक सन वाइजर मिल जाता है। मतलब इस जब आप क्लियर वाइजर लगाते हो तो ये सन प्रोटेक्शन देता है, यूवी प्रोटेक्शन वगैरह होता है, तो ये एक मिलता है। इसका फीचर यहाँ से दिया हुआ, आप यहाँ से इसको ओपन एंड क्लोज करते हो, बहुत ही ईजी है। मतलब पहले क्या होता था अपन इसको ऐसे निकालते थे और करते थे, बट ये ज़्यादा ईजी सिस्टम हो गया। डायरेक्ट अपन जब हेलमेट पहनते तो उसको अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हेलमेट स्नग फ्री भी है, मतलब आप देख सकते हो कि ये पूरा प्रॉपर फिटिंग में आता है। मैं आपको पहन के दिखाता हूँ ये किस तरीके से फिटिंग में देता है। तो आपको जब भी हेलमेट पहनना है तो इसको सबसे पहले इस तरीके से फैला लेना है सो दैट वो प्रॉपरली अंदर चले जाए। चलिए आप देख सकते हो किस तरीके से फिटिंग बैठा, मतलब फिल भी नहीं रहा है, नॉर्मल है, टाइट है, थोड़ा आपको टाइट लगेगा बट टाइट नहीं है, ये परफेक्ट फिट है। और उसी के साथ में इसमें आप देख सकते हो ये चिन यहाँ पे पूरा टाइटली फिट हो गया है प्रॉपरली, और यहाँ पे स्पेस भी कम नहीं है, जो कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए वो भी है। और हेलमेट नॉर्मल हिल रहा है बट बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा। तो आपको ये हेलमेट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये जो हेलमेट है मैंने वो बॉम्बे स्कूटर्स से लिया हूँ, जो कि यशवंत स्टेडियम में लोकेटेड नागपुर में। भैया के पास बहुत वैरायटीज ऑफ हेलमेट है। आप अगर कोई हेलमेट नहीं है और आपको वो होना तो आप जस्ट मॉडल नंबर बता दो, भैया आपको पूरा डिटेल में उसका समझा भी देंगे और कम से कम रेट में दे देंगे। मुझे ये जो एक्सोर का एपेक्स हेलमेट है कार्बन फाइबर वाला, ये बहुत अच्छे डील में मिला भैया की तरफ से। तो आप वहाँ जाके हेलमेट्स देख सकते हो। साथ ही साथ अभी भैया ने राइडिंग जैकेट्स भी लाना शुरू किया, राइडिंग जैकेट्स, पैंट्स। मैंने उनसे एक राइनॉक्स का पैंट मंगवाया, मतलब जो कि मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा था नागपुर में, पर भैया ने मेरे को बहुत जल्दी और अच्छी डील में प्रोवाइड किया। और तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर जो है वो डाल दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हो। थैंक यू।